बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर में छोटी सी दावत है, जिसके लिए मैं उसी से अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो मैंने दूध ले लिया है। दूध में मैंने 5 चम्मच जो है वो चीनी डाली है और 5 ही चम्मच मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। आज मैं पुडिंग बना रही हूँ दूध की, विदाउट एनी कलर और विदाउट एनी फ्लेवर। तो सादा सी मैं इसके आज ठंडे दूध में ही मैंने चीनी और कॉर्नफ्लोर था उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि गुठलियाँ ना बने। तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से पका लिया था। तो साथ में बेटे की फरमाइश आई कि मम्मा नहीं, साथ में जलेबी होनी चाहिए, रेड एंड वाइट का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके से करो कि जलेबी बना दो। इसके मैंने 1 कप पानी में 1 पैकेट जो है जेली का, चेरी का, वो डाल के तो अब मैं उसके साथ वो बना रही हूँ। तो मोस्टली घर में जब कभी दावत होती है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर का काम भी संभालना होता है और फिर खाने वाला भी सारा करना होता है। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर का मैं संभाल लूँगा, आप सिर्फ ना किचन में। पुडिंग बना के मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है। अब दूसरी अब साथ ही मैंने चूल्हे पे जो है वो 2 प्याज डाल के तो उसके अंदर मसाले वगैरह सारे ऐड करके तो आज मैं खट्टे कोफ्ते बना रही हूँ दही वाले। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसके अंदर आधा किलो दही जो है ना वो अच्छे तरीके से फेंट के उसको, तो मैंने दही इस दफ़ा जो है ना वो खट्टी वाली ली है, तो क्योंकि मुझे खट्टे वाले बनाने थे तो इसलिए मैंने खट्टी वाली दही यूज़ की है। मोस्टली मेरे घर में दूसरी ही दही आती है, खट्टी नहीं होती है। तो अब मैं इसके अंदर जो पकने लग गया है तो मैं इसके अंदर कोफ्ते बना के, छोटे छोटे बॉल्स बना के चिकन के, वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, कोफ्ते मैं उसी मटेरियल के बना रही हूँ जिसके मैंने कबाब बनाए हैं। वो मैं पिछली रेसिपी में अपनी में आपको बता चुकी हूँ कि मैंने उसमें लोबिया और चिकन डाल के तो उसमें हम मसाले पीस के ग्राइंड करके रखे थे, तो वही मैंने रात को बनाए थे। तो इसलिए मैंने जो कबाब का मटेरियल था तो उसी के साथ मैंने सुबह उसके कोफ्ते बनाए थे, तो बहुत मज़े के बने थे कोफ्ते, बहुत सॉफ्ट बने थे। मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि बच्चियों को कभी कोई फरमाइश हो जाती है, कभी कोई फरमाइश हो जाती है, तो मैं उनकी फरमाइशें पूरी करके ज़्यादातर किचन में ही अपना टाइम गुजार देती हूँ। मेरे कोफ्ते जो हैं वो तकरीबन बन गए हुए हैं, तो मैं अब साथ में ही मैं टिक्के के लिए बना लेती हूँ। टिक्के में मैं सिंपल मैंने 1.5 किलो चिकन लेके बोनलेस तो उसके स्लाइसिस कर लिए थे, बॉस क्यूब क्यूब में काट लिया था उसको, और उसमें 1 पैकेट मैंने सिर्फ शांति का मसाला का डाल के उसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना टिक्के की, वो यही होती है कि उसको हम पहले मैरिनेट करके रख लें। और साथ ही मैंने चूल्हे पर, दूसरे चूल्हे पर मटन की जो है वो कढ़ाई बनाने के लिए, कौरमा बनाने के लिए उसमें डाल दिए। 1.5 किलो मैंने मटन लिया, उसमें 2 प्याज काट के, 2 टमाटर काट के और सारे मसाले ऐड करके उसको मैं एक ही दफ़ा पकने के लिए रख देती हूँ। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख लेती हूँ। और साथ में ही मैं क्यूब्स ये तैयार कर लेती हूँ टिक्के, तो इसमें के लिए मेरे जो, क्योंकि मेरा पैन छोटा है तो इसलिए मुझे उनको छोटा करना पड़ा सीखों को, तो इस वजह से फिर मैं उनको सबको बना कर, और साथ में मैंने ये सैलड बनाया है। 1 एप्पल लिया, 1 टमाटर लिया और 2 खीरे लेके और बंद गोभी और 3 से 4 लेटस के जो पत्ते थे उनको लेके उनको मैं अच्छे तरीके से काट दिया। और इसके अंदर मैंने लेमन निचोड़ा है और इसके साथ जो विनीगर, मैंने 2 चम्मच विनीगर के, 2 ही मैंने इसमें ऑलिव ऑयल के डाले हैं, और आधा चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर्स, और आधा चम्मच ही मैंने सॉल्ट का डाल के इसको रैप करके अच्छे तरीके से तो फ्रिज में मैं रख दूँगी। क्योंकि रैप करके फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मैंने इसमें अब स्पाइसेस वगैरह सारे डाल दिए हैं तो अब ये पानी छोड़ देगा अगर मैं बाहर रखूँगी, तो फ्रिज में मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी अच्छे तरीके से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश ही रहेगा। सैलड में ज़्यादातर मैं 2 स्ट्रिप्स भी चिकन की जो है वो फ्राई करके साथ में कट कर लेती हूँ, तो क्योंकि ज़्यादातर हमारा दोपहर का खाना जो होता है यही सैलड होता है। अब यहाँ पे मेरा जो मटन है वो काफ़ी हद तक वो गल गया है, तो मैं अब मटन के पीसेस उसमें से निकाल के तो बाकी मसाले को थोड़ा ग्राइंड करके अच्छे तरीके से उसको फिर उसके अंदर मटन डाल के तो उसको भून लूँगी। तो मसाले को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैं इसको थोड़ा पका के इसको गाढ़ा कर लूँगी, उसके बाद में मैं इसके अंदर मटन डाल के इसको पकाने के लिए रख दूँगी। मटन में मैं फिर ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। तो उसी बनाई के दौरान मैं इसके अंदर 2 पोटैटो काट के और मोटे मोटे थे वो डाल दूँगी। नमक मैंने पहले नहीं डाला था इसलिए मैं नमक भी अब बाद में ही ऐड करूँगी। आलू डाल के इसके अंदर मैं इसको भूनने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने वही सारे मसाले डाल के उनको यखनी बनने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे वाइट पुलाव बनाना है तो उसके लिए मैं मसालों की जो यखनी है वो पहले ही निकाल लेती हूँ।
मटन की बनाई अच्छे तरीके से मैंने करके, अब इसके अंदर एक गिलास पानी का ऐड करके और इसके अंदर मैं धनिया डाल के तो इसको दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए रख देती हूँ। तो अब मैंने जो मेरे खट्टे दही वाले कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं और मेरे वाइट राइस देगी पुलाव जो है ना वो भी बनकर तैयार है, और साथ में मैंने तिक्का जो है ना वो पैन में फ्राई कर लिए थे, लेकिन मैं उसकी आपके साथ पिक्चर नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मेरे मेहमान आ गए थे, तो फिर मैं उस मेरे मेहमान आ गए थे तो फिर मैं उनके साथ बिजी हो गई थी, इस वजह से फिर मैं जो तिक्के जो फ्राई करने के बाद मैं उनकी पिक्स जो नहीं ले पाई थी। मेरा आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और मज़े की रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।